तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से सब ठीक होंगे। और आज अपडेट किसके लिए है? जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है 2022 में, उससे रिलेटेड अपडेट था। अपडेट ये है कि जो लोग इनडायरेक्ट टैक्सेज यानी CBIC के अंडर इंस्पेक्टर या फिर टैक्स असिस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं, उनके लिए एक अपडेट था कि उनका प्रेफरेंस फॉर्म आ चुका है। अब कैसे करना है, उसको भरना है, उसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफ जानकारी देता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो किस किस पोस्ट का आ चुका है, तो इंस्पेक्टर पोस्ट, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर तीनों का आ चुका है, और टैक्स असिस्टेंट का प्रेफरेंस फॉर्म तीनों का आ चुका है। अब प्रेफरेंस फॉर्म आपको मिलेगा कैसे, तो आप जाइएगा गूगल पे, गूगल कर लिखने के बाद आप लिखिएगा CBIC प्रेफरेंस फॉर्म। जैसे ही आप लिखोगे वैसे ही सर्च करोगे, उसमें आ जाएगा CGL, तो इस पर क्लिक करोगे, मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, तो इस पर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा डायरेक्ट, ये वाली वेबसाइट खुल जाएगी CBIC। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का फोटो और यहाँ पे ऊपर ही ऊपर जो होगा 9 तारीख की अपडेट है, इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, ठीक है? तो इस पर क्लिक करना, अपने अपने पोस्ट के अनुसार कर लेना। और ये फॉर्म, ये जो प्रेफरेंस है वो आपकी क्या आएगी, ऑनलाइन फिल होंगी, तो ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या कंडीशन हैं फिल होने की, इंस्ट्रक्शन क्या है या फिर लास्ट डेट कब है। तो जैसा कि मैंने इनकी लास्ट डेट पढ़ी थी, तो इनकी लास्ट डेट जो है वो है आपकी 17, यानी कि आपके पास 9 तारीख है, सिर्फ 8 दिन में आपको भरना है। उसके बाद एक बार इंटीमेशन और आएगा कि आप भर दो, 2-3 बार इंटीमेशन आता है कि आप लोग भर दो प्रेफरेंस, उसके बाद फिर नहीं आएगा, फिर क्लोज हो जाएगी विंडो और इसके बाद फिर डायरेक्ट जॉन लोकेशन हो जाएगा, ठीक है? तो तीनों इंस्पेक्टर्स का, एक्साइज इंस्पेक्टर, GST एंड एग्जामिनर तीनों का आ चुका है, और ये 17 तारीख लास्ट डेट है। मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा इसमें, ठीक है, वीडियो में, अभी तो मैं ऑरली बातें कर रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद ऐसा है, कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि कईयों के पास OTP, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑनलाइन प्रेफरेंस फिल होगी, तो ऑनलाइन जब प्रेफरेंस फिल होगी तो उसमें एक लिंक दे रखा है, जो PDF खोलोगे आप तो उसमें एक लिंक दे रखा है, यहाँ पे लिंक है DGHRD का, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करना है आपको और विंडो खुलेगी। उसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले स्टेप्स हैं आपके रोल नंबर और मोबाइल नंबर फिल करना है, मेल वगैरह। तो जैसे भी आप फिल करोगे वैसे ही OTP जनरेट का एक ऑप्शन आएगा, OTP जनरेट आपको करना है, उसके बाद OTP आपके मेल पे जाएगा, और मेल पे जाने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपकी एक विंडो खुलेगी, उसमें आपको एक बेसिक अपनी डिटेल्स भरनी है, उसके बाद फिर कन्फर्म करना है, फिर आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको प्रेफरेंस फॉर्म भरनी है एक तरीके से, कि कौन सा जोन है और कौन सा क्या है। तो जो PDF आप डाउनलोड करो उसका एक प्रिंट ले लेना, उसमें अपनी जोन देख लेना, किस जोन को आपको पहले भरना है, किस में आपकी रैंक अच्छी है। रैंक की भी PDF ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके पास नहीं हो वो मेरे को कमेंट कर दे, जिससे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको जाके पोस्ट कर दूँ, ठीक है? आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे, जिसके वो ये PDF नहीं मिली है या फिर जिसको रैंक वाली PDF नहीं मिली है, तो दोनों चीज़ों के लिए आप कमेंट कर देना। मैं जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप एक छोटा सा, छोटे लोग, कम लोग जुड़े हुए हैं उस पर, तो मैं वहां जाके आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो सर आपको क्या करना है, फिर OTP जनरेट हो गया, बेसिक डिटेल्स आप भर दोगे विंडो पे, ठीक है? उसके बाद आपको प्रेफरेंस डालना है, भोपाल जोन, ऐसे जोन करके कि प्रेफरेंस डालनी है। अब जोन क्या होगा उसके लिए मैं एक लास्ट में आपको कुछ अपडेट दूंगा, तो बने रहिएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका बेसिक, आप फाइनल सबमिट कर दोगे ऑनलाइन, जैसा कि आप जानते हो उसके अनुसार फाइनल सबमिट ऑनलाइन ही कर दोगे, ठीक है? तो तीनों पोस्ट का हो जाएगा ऐसे। अब जिन लोगों के पास मोबाइल नंबर और ईमेल, उनका SSC में दूसरा दिया था उन्होंने और अब चेंज हो गया या फिर उनके पास नहीं है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, तो जैसे ही ये जो PDF है अपना, जिस जो लेटर इशू किया है वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया ने किया है, उनका नाम है राजन कुमार झा सर, उनकी एक ईमेल आईडी दी हुई है, मोहम्मद आसिफ सर संभाल रहे हैं, तो उनको मेल करना है और लेटर अटैच कर देंगे। जो PDF आप डाउनलोड करोगे उसमें एक लेटर दिया है कि आपका मोबाइल नंबर और आपका अगर मेल खो गया हो तो उसको रिकवर करने के लिए या फिर चेंज करने के लिए एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा इस मेल आईडी पे, तो वो आप मेल आईडी कर देना, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा चेंज करने का, उसके अनुसार फिर आप 8 दिन के अंदर इसको फिलअप कर सकते हो, ठीक है? और 8 दिन के बाद आपको फिर इंटीमेशन आएगा, ऐसा नहीं है कि लास्ट है, लेकिन आता है ऑफलाइन में तो आता था, लेकिन इस बार भी आएगा, तो मोस्टली आप 7 दिन के अंदर भर देना। और प्रेफरेंस से रिलेटेड किसी को डाउट हो तो मैं एक लाइव वीडियो रख लूंगा अपने, ठीक है? तो प्रिवेंटिव ऑफिसर वाले मोस्टली आपका मैं एक जनरलाइज बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर वाले बंदे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं 900 लोग,
उनका मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ कहाँ कहाँ वैकेंसी है, ठीक है, उसके अनुसार मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे जो आपकी वैकेंसी है, चेन्नई में है 303, मुंबई में है 444, कोलकाता 95, त्रिवेंद्रम 31 और विशाखापट्टनम 5, ठीक है। अब जिन लोगों का ऐसा है, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर का सेम ही प्रोसेस में बताऊंगा, दोनों का सेम ही खेल है। मोस्टली प्रिवेंटिव ऑफिसर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा क्योंकि मैं उस जॉब में पोस्टेड हूँ, ठीक है, उस चीज के हिसाब से मैं बता पाऊंगा। तो मोस्टली लोगों को क्या करना है, सबसे पहले अपना होम टाउन सेलेक्ट करना है। जिन लोगों को अपने होम टाउन के आसपास सीटें मिल रही हैं तो वो सबसे पहले होम टाउन सेलेक्ट करें। सबसे पहली प्रायोरिटी आपको जीवन में आपकी होनी चाहिए होम टाउन, अगर होम टाउन आपको मिल रहा है, अगर कोलकाता से हो या फिर आप मुंबई के, मुंबई को आपको शहर से किसी तरीके से प्रॉब्लम नहीं है तो आप मुंबई को पहली प्रायोरिटी दे सकते हो, ठीक है। तो आपकी दो चीजें पहली प्रायोरिटी में होनी चाहिए, या तो आपको मुंबई शहर बहुत प्यारा है इसलिए मुंबई ट्रेवल वगैरह सब चीज अच्छा लगता है आपको, तो पहली प्रायोरिटी आप मुंबई को देना। अदरवाइज अपने होम स्टेट के नियर बाई जो भी हो, जैसे चेन्नई के कुछ लोग हो, चेन्नई को प्रायोरिटी पहले देना, मुंबई को स्किप कर देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं हैदराबाद यहाँ से, तो वो लोग भी एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और हर किसी से पूछ लीजिएगा, आपके कॉन्टेक्ट होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, तो सबसे एक बार जानकारी ले लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप मुंबई के हाइप से, मुंबई के नाम से आप यहाँ जाओ, ठीक है, तो या फिर कोलकाता वाले कोलकाता से सेलेक्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी, जो मैं नॉर्थ से हूँ तो नॉर्थ वालों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मुंबई, फिर उसके बाद आपकी होनी चाहिए चेन्नई, उसके बाद आपकी होनी चाहिए कोलकाता एंड त्रिवेंद्रम और विशाखापट्टनम में, आप जो आपको लोकेशन सूट करे उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्थ वालों के लिए स्पेसिफिक, या फिर सबके लिए जो नॉर्थ से हैं उनके लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं, मुंबई चेन्नई एंड मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड सोवन पांच छोटी कुछ ही रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो पीओ का मैंने जनरलाइज कर दिया है, अब इसमें सारी चीजें आप जो चीजें मान रहे हो वो चीजें वहां भी है और वहां भी है, लेकिन एक लोकेशन के हिसाब से देखा जाए या फिर सारी चीजों को कंपाइल किया जाए, मुंबई का ट्रैवल भी इतना कोई इशू नहीं है, ट्रैवल आप लोकल में बैठोगे तो भी सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन चेन्नई में आपको कार मिलेगी तो कार के हेल्प से ऐसा नहीं, आप लाइफ टाइम चेन्नई कितना दूर है आप ये सोचो, मुंबई से दोगुना दूर है। तो जो लोग नॉर्थ के हैं उनके लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि वो मुंबई रहें, बाकी जिसको चेन्नई अच्छा लगता हो, जिसने चेन्नई के बारे में कुछ अच्छा सुना हो, चेन्नई के बारे में अच्छी हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उन अच्छी चीज़ों की वजह से हम मुंबई को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, अगर कल को कुछ भी नहीं मिलता है हमको जीवन में तो भी मुंबई बेटर है, ठीक है। मेरा कहने का सेंस आप लोग समझ पा रहे होंगे, ज़्यादा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मैं बातें नहीं करूँगा, ठीक है। और जिसको कुछ डाउट्स हो वो मेरे को कम मैसेज कर सकता है, डीएम कर सकता है डायरेक्ट, और जिन लोगों का लाइव सेशन रख दूंगा मैं अगर कुछ ज़्यादा दिक्कत आ रही है प्रायोरिटी में, ठीक है। बाकी प्रिवेंटिव ऑफिसर का मैं बता चुका हूँ, एग्जामिनर का वैकेंसी देख लेता हूँ एक बार। तो एग्जामिनर का ये है, एग्जाम 33 पोस्ट हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, चेन्नई में पोस्ट हैं 20 पोस्ट चेन्नई में और 4 कोलकाता में, 5 मुंबई में, 2, ठीक है। इसका भी यही वैरायटी रखना चाहिए आपको, मुंबई सबसे पहले लो, उसके बाद चेन्नई जाओ एंड देन कोलकाता एंड सो ऑन सो ऑन, ठीक है। पीओ और एग्जामिनर का सेम है। इसके अलावा एक्साइज का देख लेता हूँ मैं, एक्साइज में आपको क्या करना है, एक्साइज इंस्पेक्टर जो सेलेक्ट हुए हैं उनको क्या प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, उनका देख लेते हैं थोड़ा एक बार। ये वीडियो एक कंपाइलेशन है तो ज़्यादा सिंसियर होइएगा मत कि मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल बताया नहीं, ठीक है, क्योंकि देखिए वीडियो में एक एक वीडियो सारी बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक करके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी देखता हूँ जीएसटी की, तो जीएसटी की वैकेंसी है 1258, यानी कि 1258 वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ वालों के लिए बातें करूंगा, और जो होम टाउन के आसपास हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होम टाउन ही होनी चाहिए, ठीक है। होम टाउन के आसपास आपको एक टाइम के बाद एडजस्ट हो जाओगे किसी भी सिटी में होने के बाद भी, तो सबसे पहले होम टाउन प्रेफर करना, मेरी प्रायोरिटी यही है। बाकी जो लोग बिग सिटीज में जाना चाहते हैं वो बिग सिटीज लेना, जैसे मुंबई अच्छा शहर है, मुंबई में बढ़िया चीज़ें हैं, और नॉर्थ वाले नॉर्थ लेना। मैं नॉर्थ के हिसाब से एज ए मैं सेलेक्ट होता तो मैं किस हिसाब से लेता वो चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो जिनको दिल्ली मिल रहा हो या फिर जो दिल्ली के होम स्टेट वाले तो ले ही लेंगे, तो जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी दिल्ली होनी चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद जो मेरी प्रायोरिटी होती है वो होती है मेरी चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ वैकेंसी अच्छी है। उसके बाद मेरी जो वैकेंसी होती है दिल्ली चंडीगढ़ के बाद, मैं गुजरात और भोपाल में कन्फ्यूज रहता, तो भोपाल और गुजरात में अगर देखा जाए, अगर आपको कुछ करना नहीं है या फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपको शहर की, तो मैं गुजरात लेता, जिस हिसाब से गुजरात का माहौल है, ठीक है, मैं गुजरात लेता। तो गुजरात की सीटें कितनी हैं वो देख लेते हैं एक बार, वडोदरा की सीटें हैं 69, तो वडोदरा को प्रायोरिटी थर्ड नंबर पे देना आप लोग, और फोर्थ नंबर पे आपको देना है भोपाल, भोपाल को, ठीक है,
जयपुर अगर मिल रहा है, जयपुर को प्रायोरिटी पहले देनी है राजस्थान से आप, तो आपकी पांच पहली हो जाएगी राजस्थान एंड जयपुर, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, तीसरा हो जाएगा चंडीगढ़ और चौथा हो जाएगा गुजरात और पांचवा भोपाल। ठीक है, अगर जो लोग यूपी के हैं तो उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, उनकी प्रायोरिटी दिल्ली से, दिल्ली के बाद लखनऊ हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी आपके लोकल एरिया है तो वो प्रायोरिटी पहली मानी जाती है। जैसे दिल्ली हो तो दिल्ली को पहली प्रायोरिटी देना, आप आस पास से हो, मान लो कि 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के अंदर आता है या फिर 4-5 घंटे आपको घर से लगते हैं तो आपको दिल्ली को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। ठीक है, उसके बाद आपको होम स्टेट जैसे जयपुर मिल रहा है, लखनऊ मिल रहा है, आपको श्योर है तो आपको देना चाहिए उसको प्रायोरिटी, उसके बाद दिल्ली को रख लेना चाहिए, फिर दिल्ली को, उनमें कन्फ्यूजन आपका डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोलकाता, मैं आपको बता दिया गुजरात तक और भोपाल तक बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जैसे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है एंड चेन्नई है, गुवाहाटी, हैदराबाद। ठीक है, इनमें से मैं बताऊँ आपको क्या चाहिए, तो कोलकाता की बजाय अगर कोलकाता जाना चाहो तो कोलकाता का थोड़ा माहौल अलग है, कोलकाता की जगह आप बेंगलोर को चूज़ कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी कोलकाता में तो 223 वैकेंसी है, अगर कोलकाता का रहन सहन आपको अच्छा लगता है तो कोलकाता को प्रायोरिटी पहले दीजिएगा, वरना 171 बेंगलुरु में है तो बेंगलुरु को प्रायोरिटी, मेरे जिस हिसाब से डेवलप है बेंगलुरु, जो हिसाब से कल्चर है, जिस हिसाब से उसकी लोकेशंस है या फिर सारी चीज़ें देखा जाए तो बेंगलुरु बेटर है मेरे हिसाब से कोलकाता से। ठीक है, तो कोलकाता से पहले बेंगलुरु को दीजिएगा, उसके अलावा भुवनेश्वर में वैकेंसी है नहीं, चंडीगढ़ की अपने बात कर लिए, चेन्नई को आपको लोकेशन के हिसाब से लास्ट में देना, जो नॉर्थ के बंदे हैं, जो आसपास के बंदे हैं उनको चेन्नई की प्रायोरिटी पहली देनी है, 402 वैकेंसी हैं, चेन्नई अच्छा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ छोड़ के चेन्नई चले जाओ, ये चीज़ें प्रेफर नहीं है, तो बेंगलुरु तक कर ली अपन ने, बेंगलुरु के बाद गुवाहाटी साइड तो मैं नहीं भेजूँगा इसे, वो रांची जो लोग, हाँ झारखंड, अच्छा एमपी की साइड हो गया, तो लोकल हैं तो ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट या फिर उस साइड से हैं थोड़ा बंगाल साइड से, तो वो लोग कोलकाता को प्रेफरेंस दें और रांची को भी दे सकते हैं वो लोग, और जो लोग साउथ से हैं वो त्रिवेंद्रम वगैरह या फिर चेन्नई वगैरह उनको दें पहली प्रायोरिटी। ठीक है, और नॉर्थ वाला अगर कोई बंदा है तो कोलकाता साइड ना जाए, बेंगलुरु हैदराबाद भले ही चले जाए, क्योंकि वहाँ पे ठीक है चीज़ें, ऐसे कोलकाता में भी ठीक है लेकिन कल्चर वहाँ थोड़ा अलग है, मे बी ऐसे तो पूरी इंडिया अच्छी है लेकिन बिग सिटीज़ में जाना जहाँ डेवलप है, जैसे बेंगलुरु कोलकाता से अच्छा डेवलप है मेरे हिसाब से, तो आपको कोलकाता हैदराबाद मतलब बेंगलुरु हैदराबाद ज़्यादा जाना चाहिए कोलकाता की बजाय, बाकी अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ हैं। ठीक है, तो मेरा इतना सा कहना था कि आपको जो देखना है पहले तो अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद जो मैंने नॉर्थ को प्रेफरेंस बताया था, जैसे एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ मैं, पहले आपको होम स्टेट लेना है, जैसे राजस्थान आपको मिल रहा है, यूपी आपको मिल रहा है तो वो लेना है, जैसे दिल्ली लखनऊ में सीटें हैं तो वो लेनी है, इसके ऊपर आप प्रायोरिटी कर सकते हो, अगर आपके 200 किलोमीटर के एरिया में है दिल्ली तो दिल्ली को पहली प्रायोरिटी दें, इनकी बजाय मैं लोकल होने के बाद भी ये चीज़ें कर रहा हूँ, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपको कुछ अलग से चीज़ें चाहिए इसी जॉब से, बाकी अगर आपको लगता है घर से मेरा अप डाउन हो जाए या फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आप होम स्टेट को पहली प्रायोरिटी दें, राजस्थान लखनऊ वगैरह को। ठीक है, उसके बाद दिल्ली, फिर उसके बाद आपको चंडीगढ़ एंड उसके बाद बड़ोदरा एंड भोपाल एंड उसके बाद बेंगलुरु, फिर कोलकाता वगैरह वगैरह वगैरह, और जो झारखंड रांची साइड के हैं या फिर है, और कोलकाता साइड के हैं तो कोलकाता को प्रायोरिटी दें। तो ये छोटा सा कंपाइलेशन था और मैं बता चुका हूँ स्टेप, जिसको कुछ प्रॉब्लम आए वो मेरे को कमेंट कर दे, और टैक्स असिस्टेंट का भी देख लेते हैं, तो टैक्स असिस्टेंट में सीधा सा एक लाइन है, वैकेंसी बता देता हूँ आपको कितनी है, ये PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप लोग कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, TA की जो वैकेंसी है वो 346 हैं, सिर्फ 346 हैं, और TA में मेरा एक ही कहना है कि TA में आप अपने होम स्टेट के पास रहें, इसके अलावा ना जाएं, क्योंकि TA का जो प्रमोशन है बहुत गंदा हो चुका है, तो TA में डीमोटिवेट ना होने के लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप होम स्टेट के अलावा ना जाएं कहीं दूर, फालतू चक्करों में ना पड़े कि वो अच्छा है कि मुंबई अच्छा है वगैरह वगैरह, आपको TA से ये सोचना चाहिए कि TA मिल गया, मेरे को एक जॉब मिल गई, अब मेरे को आगे पढ़ना है, फिर जो भी मूव ऑन करना है उस हिसाब से सोचना चाहिए, बाकी जिसको आगे पढ़ना नहीं है वो रिस्क खेल सकता है, जैसे मुंबई बड़े शहर में आ सकता है, मुंबई दिल्ली कोलकाता बेंगलुरु चेन्नई इनमें आ सकते हैं वो लोग, उनका ओपन है, उनका ग्रोथ अच्छा होगा लेकिन 10-15 साल बाद होगा। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहें, और ये प्रेफरेंस फॉर्म 17 तारीख लास्ट डेट है इसकी, जिसको मेल और मोबाइल नंबर की दिक्कत हो, मेल ID प्रोवाइड है उसमें, जिसको ना मिले वो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है,
मेरा जो आईडी है अटैच है, वो अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे सारी आईडी अटैच है मेरी, इंस्टाग्राम की एंड टेलीग्राम की। जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकता है और पर्सनली मैसेज कर सकता है मेरे को डीएम इंस्टाग्राम पे, ठीक है। तो बाकी और यही कहना था मेरा, अपडेट यही था मेरी तरफ से, एक छोटा सा अपडेट, ठीक है। तो बाकी तो आप लोगों सिलेक्शन हो गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी जॉइनिंग जल्दी ही आने वाली है। जिस हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म आए तो मैं भी आपको दो तीन महीनों में ज्वाइनिंग भी करा दें जिस हिसाब से लग रहा है। लेकिन आपका AGT जो आएगा वो जून में ही आएगा, मई जून में, तो मैं भी आपकी प्रोसेस जल्दी हो जाए, अच्छी बात है आपके लिए। तो बेस्ट ऑफ लक, और प्रेफरेंस फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कॉन्टैक्ट करें। इसी के साथ मैं वीडियो को कंपाइल करता हूँ, थैंक यू, कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।